हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेशान वुड प्लैनेट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आरी के बारे में। मेरे कुछ भाई हैं जो मुझे कमेंट में लिखते हैं कि भाई हमारी आरी जो है लकड़ी काटते वक्त बहुत अटकती है और बहुत फंसती है, तो भाई हम ऐसा क्या करें कि हमारी आरी जो है बहुत ही अच्छी चलने लगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि हमारी आरी जो है क्यों अटकती है, क्यों फंसती है, और हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि जिससे हमारी आरी जो है बहुत ही अच्छी चलने लगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हो, मेरे पास ये तीन आरी हैं। मैं अपना सारा काम इन तीन आरियों से ही करता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, मेरे पास ये सबसे बड़ी जो आरी है ये 20 इंच की है, दूसरी आरी जो है 16 इंच की है, उसके बाद जो है ये 14 इंच की आरी है। ठीक है, तो मैंने अपनी इन आरियों में सबसे ख़ास काम जो है जो ज़रूरी होता है वो ये है कि मेरी जितनी भी आरी हैं इन आरियों में सब में ये दांत जो है ये सब एक बराबर होते हैं, कोई भी दांत ऊंचा या नीचा नहीं हो सकता इसमें। ठीक है, क्योंकि आरी अटकने की सबसे बड़ी वजह जो है वो यही है कि आरी के दांत जो है ऊंचे और नीचे होते हैं। तो आप जब भी धार लगाएं इस बात का ध्यान रखें कि जो दांत ऊंचा हो उसको हमें घिस के बराबर करना है। तो धार लगाने से पहले सबसे ज़रूरी काम क्या होता है, कोई एक ऐसा पुराना तिकोरा लेकर इस तरीके से आरी पे ऐसे इस तरीके से एक दो बार तिकोरा चला लें। ठीक है, जिससे क्या होता है कि कोई भी दांत अगर हमारा थोड़ा सा भी ऊंचा है तो वो घिस के एक बराबर हो जाता है, और जब हम धार लगाएंगे तो उसी दांत को हम थोड़ा ज़्यादा घिस लेंगे जो दांत ऊंचा था। ठीक है, तो बस इतना ही एक काम करने से ये दांत जो है सारे एक बराबर हो जाते हैं। ठीक है, तो एक तो सबसे बड़ी दिक्कत ये रहती है कि आरी अटकने की कि दांत छोटे बड़े होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और दूसरी सब बड़ी दिक्कत क्या होती है आरी अटकने की, इसमें जो है बेल हम ठीक तरीके से नहीं डाल पाते। क्योंकि दोस्तों, जब हम बेल डालते हैं तो जल्दबाजी में कभी देखते नहीं कि कोई दांत ज़्यादा टेढ़ा होया है, कोई कम टेढ़ा हुआ है, कोई ज़्यादा टेढ़ा हुआ है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि जितना दांत हम इस साइड से झुकाएंगे उतना ही दांत जो है इधर झुकाएंगे, ऐसा ना हो कि इधर ज़्यादा झुक गया उधर कम झुक गया। ठीक है, क्योंकि ऐसा होने पर जो है आरी अटकेगी भी, और जिधर ज़्यादा मड़े हुए होंगे दांत आरी उधर ही भागेगी। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखें कि बेल जो है बहुत हिसाब से डालें, बहुत ध्यान से। और तीसरी बात यह है कि आरी के दांत जितने छोटे होते हैं आरी उतनी ही अच्छी चलती है। क्योंकि देखिए दोस्तों, मेरे पास ये एक आरी थी, मैंने इस आरी के दांत जो हैं छोटे करके बनाए थे, यानी एक दांत में दो दांत बना दिए थे। अब जैसे ये मेरे पास बड़ी आरी है, इसमें देखिए ये देखिए दोस्तों, मैंने इस आरी में एक दांत के दो दांत बनाए थे। मैंने पहले इस आरी को प्लेन किया था, सारे दांत घिस के क्लेवल कर लिए थे, उसके बाद मैंने इसमें एक दांत में दो दांत बना दिए थे। दोस्तों, ये दांत है जितने भी ज़्यादा छोटे होते हैं आरी उतनी ही ज़्यादा अच्छी चलती है। ये आरी मेरी बहुत अच्छी चलती है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, आप भी अब अपनी आरियों में जो भी कमियाँ हैं, जिस वजह से भी आपकी आरी अटकती है, वो कमियां आप ढूंढकर अपनी आरी को भी एकदम ठीक कर लेंगे, परफेक्ट आरी बना लेंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों, ये वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर मैंने कहीं कुछ गलती की या कहीं कुछ गलत बताया है तो भी मुझे कमेंट करके जरूर बता देना कि मैंने यहाँ पर ये गलती की है। तो कमेंट का जरूर ध्यान रखना, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ठीक है फ्रेंड, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।